जय शिंदे फ्रेंड्स, और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे क्योंकि कटिंग तो हम पिछली वीडियो में दिखा चुके हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, हमने बुकरम की जो कटिंग पिछली वीडियो में दिखाई थी और उसके साथ में हमने कपड़े भी कट कर लिया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, ऊपर से जो मैंने आधा इंच रखा है, सबसे पहले हम उस पर सिलाई करेंगे। इसके बाद में हम आराम से नीचे की सिलाई कर सकते हैं और एकदम अच्छे से सिलाई आती है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जब भी गला कट करती हूँ बुकरम में, तो वहाँ पर उसमें मैं ऊपर की तरफ से आधा इंच उसी कपड़े में बुकरम में रख लेती हूँ, ताकि हमारी जो सेटिंग है वो अच्छे से हो जाती है कपड़े में। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आप ऊपर से कटिंग कर लेते हैं और फिर गला है, जैसे कि 5 इंच की कटिंग की है आपने गले की, तो वो इधर उधर भागते रहते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर अगर हम बुकरम रखते हैं इसमें एक्स्ट्रा आधा इंच, तो उससे हमारी जो ये तो कटिंग में निकल ही जाएगी सिलाई के बाद में, पर सिलने में बहुत आसानी रहती है। तो देखिए, एकदम परफेक्ट सिल चुका है हमारा गला। और अब हम यहाँ पर अंदर की तरफ से रख कर भी इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे। और इस तरह से सिलाई लगाने से भी हमारा जो, जब हम इसको सूट के ऊपर रख कर सिलेंगे तो आसानी से सिल जाएगा हमारा। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर इसको इस तरह से सिलने के बाद में हम देखते हैं कि हमारा जो बराबर है या नहीं। तो वहाँ से बराबर करके हम एक छोटा सा कट ऊपर से लगा लेते हैं। और वैसे तो नीचे की तरफ से जब हमने डिज़ाइन बनाया है यहाँ पर, तो शेप आ ही गई है, और फिर भी मैं यहाँ पर एक कपड़े में आधा इंच छोड़कर ऊपर की तरफ निशान लगा देती हूँ कट का। तो देखिए, यहाँ पर इन दोनों को हम चौक से इस तरह से मिला लेंगे। और अब हम यहाँ पर सूट का कपड़ा लेंगे और इसको हम यहाँ पर सीधा करेंगे सूट के कपड़े को। तो देखिए, अच्छे से मिलाकर हम सीधा कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पर इसके बीच में निशान लगा लेते हैं। तो हमने ये बीच का निशान लगा लिया है और इसमें कट भी लगा लिया है हमने ऊपर से। और देखिए, यहाँ पर बुकरम में भी कट लगाया हुआ है, तो इन दोनों को हम ऊपर से मिलाते हैं इस तरह से। और यहाँ पर जो मैंने होल बनाया है ये वाला छोटा सा कट, तो यहाँ पर देखिए जो हमारे निशान हैं कपड़े वाले, यहाँ पर इनको इस तरह से सीधे करके हम देखते हैं कि हमारा नीचे से सही है या नहीं है कपड़ा। तो देखिए, यहाँ पर जो गले की है सेटिंग, वो अच्छे से हमारी दिख रही है। और अब हम यहाँ पर इसमें सिलाई लगाएंगे। आप इसको पिनअप भी कर सकते हैं पहले। तो देखिए, बिना पिन के कितनी अच्छी तरह से और आसानी से मैं इसको सिल रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से किनारे किनारे पर हमको बुकरम की सिलाई लगानी है। और इस तरह से हमारी ये सिलाई लग गई बड़े आराम से। और अब देखिए, यहाँ पर हम यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे, निशान लगाएंगे चौक से, और उसके बाद में हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो हमको सारे कपड़े में इसी तरह से आधा इंच कपड़ा छोड़ के सिलाई कर देनी है। तो देखिए, ऊपर से हमने जो एक्स्ट्रा में जो लिया था बुकरम, वो भी हमारी कट के निकल गई है अब। और इस तरह से हम यहाँ पर जो कॉर्नर्स हैं उनमें कट का निशान लगा लेंगे कपड़े में। और अब इनको हम आसानी से फोल्ड कर सकते हैं। तो बिना कट के ये अच्छे से फोल्ड नहीं होता, इसलिए जहाँ भी कॉर्नर हों वहाँ पर हमारे कट लगाने ज़रूरी होते हैं। और इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ पर किनारी पर सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर किनारी पर सिलाई लगाएंगे और जो पीछे की साइड है उसमें हम तुरपाई करेंगे बाद में। तो ये सिलाई हो चुकी है और अब हम पीछे वाला पर्दा इसके ऊपर रखेंगे उल्टी साइड में इस तरह से, और इनको पीछे की तरफ से मिलाते हुए, ये देखिए आगे वाला गला बन चुका है, तो इसलिए पीछे वाली साइड से हम मिलाएंगे इसको और इस पर सिलाई लगाएंगे। और जो कपड़ा बचेगा हमारा पीछे वाले पर्दे में, उस पर हम पीछे वाले गले की पट्टी लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पर ये सिल गया है। और इसी तरह से हम दूसरे वाले साइड को भी सिलते हैं। और इस तरह से हमारी दोनों साइड सिल चुकी हैं ऊपर की। अब हम यहाँ पर साइड की सिलाई लगाएंगे। तो दोनों पर्दों को हम इस तरह से एक साथ कर लेंगे और इनके ऊपर जो हमने निशान लगाया था कटिंग के समय पर, और उन्हीं के ऊपर रखकर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। क्योंकि हमारी फिटिंग का निशान है और इसी के ऊपर हमको सिलाई लगानी है। तो इस तरह से बड़े अच्छे तरीके से हमको दोनों को पर्दों को एक साथ रखना है और उनके ऊपर सिलाई लगानी है।
और यहाँ नीचे की तरफ से हम इसको पक्का करेंगे डबल करके सिलाई, और यहाँ पर धागे कट कर देते हैं। और इसी तरह से हम यहाँ दूसरी साइड में भी रखते हैं इन दोनों पर्दों को बराबर, और इसी तरह से सेम सिलाई लगाएंगे हम, और नीचे से अच्छे से लॉक कर। और ये सिलाई हो चुकी है इस तरह से। अब हम यहाँ पर बाजू लेंगे जो हमने बाजू कट की थी, और उनमें यहाँ पर देखिए जो हमने साइड में कट के निशान लगाए के नीचे की तरफ, उनको रखकर हम कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, और इस तरह से हम यहाँ पर इनको पकड़ के और यहाँ पर इस पर कच्ची सिलाई लगाएंगे हम। तो देखिए ये हमने सिलाई लगा दी है, और इसी तरह से हम यहाँ दूसरी बाजू पर भी सिलाई लगा देंगे, और इनसे हमारे जो कट लगाए थे उनसे यही फायदा है कि हमारी जो दोनों बाजू हैं वो बराबर आएंगी हमारी लेंथ में। तो इस तरह से हम यहाँ पर अब इनको मिलाते हैं बाजू को, दोनों बाजू को रखेंगे एक साथ मिलाकर, और यहाँ पर हम इस तरह से अच्छे से रखेंगे इनको। और हम यहाँ पर जो हमारे आगे की गोलाई होती है हमारी, उसको निशान लगाएंगे, और उसी के ऊपर हम यहाँ पर इस तरह से निशान लगाए, तो दोनों पर्दे में हम जो बाजू हैं उनमें बराबर निशान लगाएंगे, और उनके ऊपर हम सिल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से दोनों साइड में हमने निशान लगा लिए थे और उनको इसी पर सिल लिया है। और अब हम यहाँ पर इनको सूट में सिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा बीच का पॉइंट है, यहाँ से हम पकड़ेंगे और इस तरह से सूट को पकड़ेंगे जहाँ से सिलाई है, और उन पर हम एक बार इसको मेजर कर लेते हैं, नाप लेते हैं इन दोनों को, और फिर जहाँ पर हमारी सिलाई आ जाएगी वहाँ से पकड़कर हम सिल लेंगे। तो इस तरह से देखिए दोनों सिलाई आ गई हैं, तो यहाँ से रखकर हम इसको सिल लेंगे इस तरह से। इससे हमारी जो बाजू हैं वो बिल्कुल मतलब गोल सिलाई में आ जाएंगी। एक तो सिलाई होती है हमारी खुली, और जो बोलते हैं खुली बाजू, और एक होती है ये बंद बाजू वाली, तो इसमें हमारी गोल बाजू आती हैं, इनको हम पहले सिलाई लगा कर तब कर लेते हैं। और खुली बाजू जो सिलाई करते हैं हम, उसमें हम बाजू पर सिलाई नहीं लगाते हैं नीचे वाली, और तब उनको सिल लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम दोनों बाजू को सिल लेंगे। और अब हम यहाँ पर देखिए साइड की सिलाई लगा चुके हैं इस पर, और जो हमारे अब पीछे वाले गले की पट्टी है उसके लिए हमने यहाँ पर और भी पट्टियाँ काट ली हैं, और अब हम इनको पहले पट्टियों को सिलेंगे। तो ये हमारी अलग अलग हैं, तो इस तरह से हम इसको तिरछा रख के, एक साइड में रख के नहीं सिलते हैं कभी भी, दोनों के जो कॉर्नर होते हैं ना वो अलग अलग होने चाहिए। तो इस तरह से हम इनको रखते हैं और सिलाई करते हैं इन पर। तो ये देखिए आप नाप लीजिएगा इनको सिलने के बाद एक बार, कि आपकी पूरे गले के लिए पट्टी हो चुकी है नहीं है। और मैं यहाँ पर फ्रेंड्स गले में लगाने से पहले इन पर डबल फोल्ड करके इनको इस तरह से सिलाई लगाती हूँ, इस पर एक कच्ची सिलाई लगाती हूँ। इससे क्या है कि जो जैसे कि हमारा जो एक्स्ट्रा में कोई यहाँ पर कपड़ा जो निकला हुआ है ना, उसको हम कट कर लेते हैं पहले। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर इसको बराबर बराबर कर लेंगे, जैसे कि आपको लग रहा हो आधा इंच या एक इंच चौड़ाई में हमारी पट्टी होनी चाहिए, तो उस तरह से देखकर हम यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी ये जो पाइपिंग वाली पट्टी है ये बराबर हो चुकी है। अब हम इसको सूट के गले के ऊपर रखेंगे, तो इसको इस तरह से रखते हैं, और यहाँ पर अब हमारी जो एक सार हमारी जो सिलाई आएगी, एक सार आएगी, अब इसमें कोई ऊपर नीचे कोई कपड़ा नहीं है। तो देखिए सिलाई बराबर आएगी हमारी, और इस तरह से यहाँ पर पूरे गले पर हम इस पट्टी को लगा लेंगे। पीछे वाला गला हमारा छोटा ही है, तो इसलिए ज़्यादा बड़ी पट्टी की हमको ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो यहाँ पर ये सिलाई हो चुकी है। अब हम यहाँ पर इसमें देखिए ये एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे, और इसको हम यहाँ पर फोल्ड करते हुए इस तरह से
अब यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे हम, और आप चाहे तो पक्की सिलाई भी लगा सकते हो इसी को, पर मैं यहाँ पर कच्ची सिलाई ही लगा रही हूँ क्योंकि इसमें बाद में तुरपाई करनी है। और इसी तरह से देखिए, जब हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं इस कपड़े को, तो जो हमारे कंधे वाली सिलाई होती है ना, उसको अंदर की तरफ करके और इस पट्टी को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर ये सिलाई हो चुकी है और हम यहाँ पर बाद में तुरपाई करेंगे इस पर। और फ्रेंड्स, अब हमारे जो यहाँ पर चौक हैं इस तरह से, यहाँ से लेकर हम इनको नीचे की तरफ से, जो हमने फालतू लिया था 2 इंच, और उसको रखते हुए हम यहाँ पर तुरपाई कर लेंगे इनकी। तो इस तरह से हम 1-1 इंच के जो चौड़ाई लेंगे चौक की, और उनको तुरपाई कर लेंगे, और हमारे जो चौक हैं सबकी सिलाई तुरपाई करेंगे, और हमारा सूट यहाँ पर रेडी हो जाएगा। फिर आप इसको चाहे तो नाप लीजिएगा। तो नीचे से इस तरह से, जैसे हमने टोटल 4 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो 3.5 इंच ले रहे हैं हम नीचे से, और इसको निशान लगा के यहाँ पर दोनों साइड से निशान लगा लेंगे। और इनको यहाँ पर जितनी चौड़ाई आपको लेनी है उतने आप लें, और उसको फोल्ड कर लें अंदर की तरफ। तो देखिए, इसको मैं इस तरह से पकड़ती हूँ, और यहाँ पर आप 2 इंच की चौड़ाई ले सकते हैं, इसकी 2.5 इंच भी ले सकते हैं। तो जितनी आपको लेनी है आप कच्ची सिलाई कर लें उन पर, और फिर आराम से आप इस पर तुरपाई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 2 इंच की चौड़ाई है मेरे इस चौक के नीचे वाली साइड की घेर की। और इसी तरह से हम यहाँ पर देखिए कच्चे कर लेंगे अब सुई धागे से इसको। आप चाहे तो पिन अप कर लें। कच्चा करने का फ़ायदा यही होता है कि हमारी जो तुरपाई करने में हमको कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत आसान से हम इसको पकड़ के तुरपाई कर सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से हम दूसरे वाली साइड को भी रखकर तुरपाई करेंगे, और हमारा सूट रेडी हो जाएगा।